नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। और इसी के साथ ही आज शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इसराइल के गैलीली पर रॉकेट हमले हुए हैं, हिजबुल्ला ने किए हैं रॉकेट हमले। गोश रिम सेटलमेंट पर गिरा है रॉकेट और गैलीली में एक सुरक्षा कर्मी के मारे जाने की भी इस वक्त खबर आ रही है, जो अभी इस वक्त इस पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है। हिजबुल्ला और इसराइल की जंग अब जमीन से जल तक विस्तार ले चुकी है। हिजबुल्ला ने इजरायली जमीन पर हमले करने के साथ साथ समुद्र में उसकी नौसेना और नेचुरल गैस फील्ड पर भी हमले किए हैं। हिजबुल्ला के साथ साथ इस्लामिक रेजिस्टेंस के दूसरे संगठनों ने भी इसराइल पर बड़े हमले किए हैं। और इन हमलों के साथ ही इसराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए राफा से टैंक लेबनान बॉर्डर पर रवाना कर दिए हैं। आशंका है कि आज रात लेबनान पर इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इसराइल का मकसद है हिजबुल्ला का खात्मा और इसका परिणाम हो सकता है लेबनान का अस्तित्व खत्म होना। הטנק שנמצא כאן ואתם מטפלים בו אחרי שהוא יוצא מהקרב لكن انا بدون وضوح وبدون لف ودوران تضربوا مدن عنا مدن مدن इसराइल हिजबुल्ला की जंग में अब तक का सबसे विनाशक चरण शुरू हो चुका है। हिजबुल्ला ने जरूरत पड़ने पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है और उसकी बारूदी शक्ति के नमूने इसराइली जमीन से लेकर समंदर तक नजर आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जिससे आज रात ही लेबनान में इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका बढ़ गई। हिजबुल्ला ने इसराइली जमीन से लेकर इसराइली जल क्षेत्र में हमले किए हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने मिलकर इसराइल के अलग अलग शहरों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने राफा से बड़े पैमाने पर सेना हटाकर लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दी है। हिजबुल्ला ने लॉन्ग रेंज और गाइडेड मिसाइलों की तैनाती इसराइली सीमा पर कर दी है। ये 29-30 जुलाई को इसराइली जमीन पर हिजबुल्ला के हमलों की तस्वीरें हैं। हिजबुल्ला ने इसराइल के अल बगदादी बेस पर रॉकेट हमले किए। इसराइल के अल बगदादी बेस पर हिजबुल्ला ने कई रॉकेट हमले किए और इन हमलों से आग भड़क गई। उनतीस जुलाई को हिजबुल्ला ने अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं। इन हमलों से उत्तरी इसराइल का 100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका आग की चपेट में आ चुका है। हिजबुल्ला के हमलों से लगी आग को बुझाने में इसराइल के फायर फाइटर जुटे हुए हैं। हवाई जहाज से आग पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन हिजबुल्ला ने सिर्फ इसराइली जमीन पर ही हमले नहीं किए हैं, युद्ध साइप्रस की तरफ मुड़ चुका है। सत्रह जुलाई की रिपोर्ट में ही TV9 भारतवर्ष ने दर्शकों को बताया था कि हिजबुल्ला इसराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है और ये भूमध्य सागर में होने वाले हैं। हिजबुल्ला ने रणनीति में बदलाव करते हुए भूमध्य सागर में इसराइल की सबसे अहम शक्ति को टारगेट करना शुरू कर दिया है।
हिजबुल्ला ने इसराइल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले किए हैं। इसराइल के लिए हिजबुल्ला के ये हमले सबसे बड़ा संकट है। अगर एक भी हमला सटीक हुआ तो समंदर से इसराइल पर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। हिजबुल्ला का दावा है कि समंदर में ऐसा ही विस्फोट करके उसने इसराइल को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। हिजबुल्ला के निशाने पर इसराइल के नेचुरल गैस फील्ड और पेट्रोलियम रिज है। 29 जुलाई को हिजबुल्ला ने इसराइल के कारिश गैस रिज पर हमले का दावा किया। कारिश गैस रिज साइप्रस के करीब है। हालांकि भूमध्य सागर में हिजबुल्ला के हमले को इसराइल ने नाकाम करने का दावा किया है। भूमध्य सागर में ये साइप्रस के करीब इसराइल का कारिश गैस रिज है और यहाँ कारिश, तापिन और डॉल्फिन नाम के तीन नेचुरल गैस फील्ड हैं। 29 जुलाई को भूमध्य सागर में हिजबुल्ला ने ड्रोन हमला किया और इस हमले का टारगेट इसराइल का कारिश गैस रिज था। इजरायली नौसेना का दावा है कि SAR-6 युद्धपोत ने हिजबुल्ला का ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिया। इसराइल के मुताबिक रिज से 8 किलोमीटर पहले ही ड्रोन मार्ग दिया गया और हिजबुल्ला के मुताबिक हमले का दूसरा एंगल कुछ और है। हिजबुल्ला ने बयान जारी करके कहा है कि लेबनान सीमा से ड्रोन हमला किया गया और इस ड्रोन का टारगेट इसराइल का कारिश गैस रिज था और हिजबुल्ला का दावा है कि इजरायली SAR-6 युद्धपोत ड्रोन नहीं रोक पाया। युद्धपोत को पार करते हुए ड्रोन कारिश गैस रिज से टकरा गया और ड्रोन विस्फोट से कारिश गैस रिज में जबरदस्त धमाका हुआ और आग लग गई। हिजबुल्ला के हमलों के बाद पलटवार इसराइल ने भी किए हैं। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के कफर रम्मान पर बमबारी की और इससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ये कफर रम्मान पर हमले की दूसरी तस्वीर है। फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। इजरायली वायुसेना ने नबाते सहित हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर बीती रात बमबारी की है। हिजबुल्ला के हमलों की बढ़ती हुई रेंज को रोकने के लिए इसराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए सेना लेबनान रवाना कर दी है। गाजा के राफा से इसराइल ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना और टैंक हटाने शुरू कर दिए हैं। טנק שנמצא כאן ואתם מטפלים בו אחרי שהוא יוצא מהקרב. गैलेंट के इस बयान के बाद हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने हिजबुल्ला के लिए संदेश जारी किया है। यानी अल कसाम ब्रिगेड ने कहा है कि हिजबुल्ला इन टैंकों की कब्रगाह बनाने को तैयार है और हसन नसरल्ला ने भी ऐसी ही चेतावनी इसराइल को दी है। لكن انا بكل وضوح وبدون لف ودوران تضربوا مدن عنا مدن مدن تضربوا قرى عنا مدن استعمارات ضربتم مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت سنضرب مطار بن غوريون لتل أبيب इसराइल पर हमला करने के लिए अरब के सभी प्रॉक्सी संगठन एकजुट हो चुके हैं। 29 जुलाई को इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इसराइल पर कई बड़े हमले किए। इसराइल की शकरा में अल रही बेस पर गाइडेड मिसाइल से हमले किए गए। इसराइल के मलिकिया में एक सर्विलांस सेंटर तबाह कर दिया गया।
कारांतीना हिल्स बेस पर भी रॉकेट बरसाए गए। अलाबाद साइट पर इसराइल के बंकर और रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए। हदब यारिन साइट पर इसराइल के निगरानी टावर को ध्वस्त कर दिया गया। इसराइल और इस्लामिक रेजिस्टेंस के बीच बढ़ती जंग को देखते हुए यूरोप और अरब के देशों ने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी दी है और इसीलिए माना जा रहा है कि दोनों के बीच फुल स्केल वॉर कभी भी छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रूस के MI-28 हेलीकॉप्टर से हमला हुआ है और यूक्रेनी चौकियों पर ये मिसाइल हमले हुए हैं। यूक्रेन के कई सैन्य उपकरण इस हमले में नष्ट हो गए हैं। जो इसराइल हिजबुल्ला से स्टेडियम में बाल संहार का बदला लेने की तैयारी कर रहा है, नेतन्याहू की जो सेना लेबनान के साथ साथ ईरान पर भी आक्रमण की तैयारी कर रही है, वो इस वक्त ईरान और उसके प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में फंस गई है। इजरायली सेना प्रतिशोध लेने पर अड़ी हुई है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश उसे लेबनान पर हमले से रोक रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर अमेरिका और यूरोप इजरायल को हमले से रोक क्यों रहे हैं, उन्हें डर किस बात का है? और इस सवाल का जवाब दे रही है हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अरब में विनाश की अब तक की सबसे बड़ी आग भड़कने जा रही है। ये वो आग होगी जिसमें अरब के 6 देश एक साथ जलकर भस्म हो जाएंगे। इसराइल लेबनान के साथ साथ ईरान पर भी हमला करने जा रहा है। ये वो हमला होगा जिससे पूरे अरब में जलजला आ जाएगा। इसराइल लेबनान के साथ साथ ईरान पर भी आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए हमले में देरी हो रही है। युद्ध की जो आग अरब में फैलने जा रही है, सुपर पावर अमेरिका के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों ने अरब में इजरायली सेना के प्लान को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। गोलान हाइट्स में स्टेडियम में हुए हमले के बाद से ही इजरायल ने कसम खा ली है कि वो ईरान के सभी प्रॉक्सियों को खत्म कर देगा। इजरायल ने न सिर्फ फैसला लिया है बल्कि ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू करने जा रहा है। अरब में जिस तरह से ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्ला के साथ एकजुट हुए हैं, उन्हें तोड़ने के लिए अब इसराइल के पास सीधे ईरान पर हमले के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेबनान पर इसराइल बड़ा हमला करने वाला है, इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कहा है। इसराइल के खतरनाक इरादे को देखते हुए अरब से लेकर अमेरिका और यूरोप तक खलबली मच गई है। अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देश भी टेंशन में हैं।
अमेरिका ये मान रहा है कि इसराइल को पलटवार का अधिकार है, बावजूद इसके वो ये नहीं चाह रहा कि इसराइल लेबनान पर हमला करे। अमेरिका ने 5 राजनयिकों की एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी इसराइल को लेबनान में बड़े ऑपरेशन से रोक रही है। इसी तरह यूरोप भी नहीं चाह रहा है कि इसराइल लेबनान पर हमला करे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलनी ने कहा है इसराइल लेबनान में जवाबी कार्रवाई के जाल में न फंसे। स्टेडियम में हमला हिजबुल्ला का एक ट्रैप है जिसमें इसराइल को नहीं फंसना चाहिए। सवाल यही है कि आखिर अमेरिका और यूरोप इसराइल को हमले से क्यों रोक रहे हैं? अमेरिका और यूरोप की मजबूरी क्या है? लेबनान और ईरान पर हमला हुआ तो क्या होगा? अमेरिका और यूरोप क्यों डर रहे हैं? अब इसे समझिए। अरब देशों से जो यूरोप में तेज लगातार हो रहा है मामला, वो फारस की खाड़ी की तरफ जाता है। आदन की खाड़ी और लाल सागर से होते हुए ये रास्ता है पूरा। और स्क्रीन पर जो आप समुद्री रूट देख रहे हैं, इसे भी ध्यान से देखिए। उसी रूट से यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई होता है। अब अगर लेबनान पर हमला हुआ तो होगा क्या, ये समझिए। लेबनान में हमले से पूरे अरब में युद्ध की आग फैल जाएगी। इसकी जद में कई देश आ जाएंगे। इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला और हूती समेत सभी बड़े ईरानी प्रॉक्सी एकजुट हो जाएंगे। ईरान और उसके प्रॉक्सी उस समुद्री मार्ग को जाम कर देंगे जो यूरोप की सप्लाई रूट पर है। और हूती समेत तमाम ईरानी प्रॉक्सी फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को टारगेट करेंगे, जिससे इस रूट से तेल की सप्लाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। समुद्री रूट बंद होने से यूरोपीय देशों को तेल समेत दूसरे ऊर्जा स्रोतों की सप्लाई ठप हो जाएगी। एनर्जी नहीं मिलने से पूरे यूरोप में हाहाकार मचना तय माना जा रहा है। और इसी डर से यूरोप और यूएस नहीं चाहता कि इसराइल लेबनान में हमला करे। इसराइल की आक्रामकता, उसकी प्लानिंग को देखते हुए ईरान भी एक्टिव हो गया है। ईरान के नए राष्ट्रपति की ताजपोशी की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। ताजपोशी के साथ ही ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लीडर जियाद अल नखला के साथ भी बैठक की। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति बाद में कतैब हिजबुल्ला और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के मुखिया से भी मिले। इस वक्त पूरे अरब में फैले ईरानी प्रॉक्सी के बड़े नेता ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद हैं। ईरान के साथ प्रॉक्सी संगठनों के नेता लेबनान पर हमले के बाद इसराइल के खिलाफ काउंटर प्लान तैयार करने में जुटे हैं। ताजपोशी और अपनी प्रॉक्सी संगठनों के नेताओं से मुलाकात के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने इसराइल को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी है। पजश्कियान ने कहा है अगर इसराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया तो उससे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जाहिर है अब इसराइल और ईरान में जंग छिड़ने की संभावना बहुत प्रबल हो गई है। इस जंग का अंजाम बहुत ही भयावह होने जा रहा है। अपजश्कियान और बेंजामिन नेतन्याहू में जंग होने जा रही है। इसराइल बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस चुका है। नेतन्याहू और उनकी सेना इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगी, यही देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
बड़ी खबर आ रही है रूस के हमले से जुड़ी हुई। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के हमले हुए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोलीबारी की खबर है। यूक्रेन के 14 सैन्य वाहन इस दौरान नष्ट होने की भी जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर रूसी वायुसेना के एयरफील्ड को यूक्रेन ने निशाना बनाया। एक बार फिर यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस के एयरबेस पर बारूदी गदर मचाया। एक बार फिर यूक्रेन के हवाई मिशन ने रूस के आसमानी जंगबाज को जलाकर राख कर दिया। यकीन मानिए, यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के मर्मंस्क एयरफील्ड पर बीती रात ड्रोन स्ट्राइक हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस के इसी मर्मंस्क रीजन में दो दिन पहले यूक्रेन ने ओलेनिया नेवल बेस पर ड्रोन हमला किया था। लेकिन यूक्रेन के एयरफील्ड दहन का सिलसिला बीते 100 घंटे से जारी है। आखिर कैसे जेलेंस्की की पुतिन नीति से रूसी वायुसेना की दुर्गति हो रही है, देखिए। जुलाई से रूसी एयरफील्ड दहन का सिलसिला अब और भी ज्यादा विध्वंसक हो चुका है। और इसी सीरीज में यूक्रेन का नया टारगेट बना है उत्तरी रूस का मर्मंस्क एयरबेस। बीती रात यूक्रेन के कामिकाजी ड्रोन्स ने मर्मंस्क एयरफील्ड पर ताबड़तोड़ हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमले को अंजाम दिया। मर्मंस्क में मौजूद यूक्रेनी एजेंट के जरिए ड्रोन अटैक किया गया। दावा है कि इस हमले में रूस का एक एटमी बम वर्षक तबाह हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि मर्मंस्क एयरफील्ड रूस के परमाणु बम वर्षकों का बेस है। जहां रूसी वायुसेना के एक दर्जन से ज्यादा एटमी बॉम्बर 24/7 तैनात रहते हैं। क्योंकि इसी मर्मंस्क रीजन से ही रूसी डिफेंस बैरेंट सी और आर्कटिक तक निगरानी करती है। बस रूस की इसी ताकत को नेस्तनाबूद करने के लिए जेलेंस्की ने खुफिया एजेंट्स की मदद ली और मर्मंस्क एयरफील्ड पर बड़े ड्रोन हमले करवाए। जिस युद्ध नीति के जरिए पुतिन की सेना यूक्रेनी एयरबेस को निशाना बना रही है, अब उसी युद्ध नीति का इस्तेमाल जेलेंस्की ब्रिगेड रूस के खिलाफ कर रही है, यानी रूसी एयरफील्ड की तबाही। और इस कड़ी में जेलेंस्की की सेना ने यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के मर्मंस्क एयरफील्ड पर ड्रोन हमला किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक में मर्मंस्क एयरफील्ड पर मौजूद रूस का एक Tu-22M3 बम वर्षक तबाह हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस हमले से दो दिन पहले यानी 27 जुलाई को यूक्रेनी ड्रोन ने मर्मंस्क प्रांत के ओलेनिया नेवल बेस पर हमला किया था। रूसी नौसेना का ओलेनिया नेवल बेस मर्मंस्क एयरफील्ड से करीब 53 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि ओलेनिया नेवल बेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी वायुसेना के 42 विमान राख हो गए। मर्मंस्क एयरफील्ड पर यूक्रेन के ड्रोन हमले से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें मर्मंस्क एयरबेस की स्ट्रिप पर 3 Tu-22M3 बॉम्बर खड़े दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें हमले से पहले की हैं। मगर हमले के बाद मर्मंस्क एयरफील्ड की जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, उसमें सिर्फ दो बम वर्षक ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कि यूक्रेनी ड्रोन हमले में मर्मंस्क एयरफील्ड पर खड़ा एक Tu-22M3 बॉम्बर राख हो गया।
जिसके मलबे को रूसी वायुसेना ने हटा दिया। गौर करने वाली बात यह है कि मर्मंस्क एयरफील्ड और ओलेनिया नेवल बेस पर बीते 48 घंटों में हमला कर यूक्रेन ने अपनी ताकत की नुमाइश की। लेकिन अगर बात 26 जुलाई से करें तो बीते 4 दिनों में यूक्रेनी सेना रूस के कुल 5 एयरफील्ड को निशाना बना चुकी है। आखिर कब, कहां और कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन ने पहला अटैक 26 जुलाई की सुबह पश्चिमी क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस पर किया, वो भी अटैक एमिस टैक्टिकल मिसाइलों के जरिए। इसमें रूसी वायुसेना के 16 फाइटर जेट तबाह हुए। 26 जुलाई की शाम यूक्रेनी सेना ने दूसरे हमले को अंजाम दिया, वो भी आत्मघाती ड्रोन के जरिए। ये हमला सारातोव एयरबेस पर किया गया। इस ड्रोन हमले में 3 MI अटैक हेलीकॉप्टर राख हुए। यूक्रेनी ब्रिगेड ने तीसरा अटैक 27 जुलाई की सुबह पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत पर किया, वो भी कामिकाजे ड्रोन्स के जरिए। इस हमले में रूस के Tu-22 M3 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। मतलब ये कि पुतिन की युद्ध नीति के जरिए जेलेंस्की रूसी वायुसेना की दुर्गति कर रहे। रूस की हवाई ताकत को सिलसिलेवार अंदाज में तबाह कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 15 दिनों में यूक्रेन के 30 से ज्यादा एयर स्ट्रिप और एयरबेस को रूसी वायुसेना ने मिसाइल हमले में तबाह कर दिया है। रूस की घातक मिसाइलों के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन के एयरबेस ही नहीं बल्कि वहां तैनात लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। और रूस के ऐसा करने के पीछे की वजह थी F-16 लड़ाकू विमानों की यूक्रेन को डिलीवरी, जिस पर नेटो समिट में मुहर लगी, जिसके बाद जहां डेनमार्क 19 F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को डिलीवर करेगा, वहीं नीदरलैंड्स 24 F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेनी वायुसेना को देगा। इसके अलावा नॉर्वे 6 F-16 फाइटर जेट यूक्रेनी सेना को सप्लाई करेगा। डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने तो पहले ही यूक्रेन को F-16 देने का ऐलान किया था, मगर नेटो की बैठक के बाद नॉर्वे भी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने को तैयार हो गया। लेकिन पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि जिस मुल्क ने F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को दिया, उसके जवाब में रूसी डिफेंस यूक्रेन का वजूद तो मिटाएगा ही, बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेन की मदद करने वाले, यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमानों को अपना एयर स्पेस देने वाले मुल्क पर भी रूस हमला करेगा। यूक्रेन बॉर्डर से सटी नेटो की हर एयर स्ट्रिप को तबाह कर दिया जाएगा। बस इसी बात से यूक्रेन सहमा हुआ था। कुछ वक्त के लिए F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी को रोक भी दिया गया, मगर अब यह खबर सामने आ रही है कि अगले 15 दिनों में यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों का पहला बैच सौंप दिया जाएगा। लिहाजा F-16 के डिफेंस के लिए यूक्रेन ने रूसी एयरफील्ड पर अटैक करने का ऑपरेशन एक्टिव कर दिया। और अब उसका सबूत तस्वीरों की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। अब ये देखना होगा कि रूसी एयरफील्ड पर हो रहे हमलों का इंतकाम पुतिन कैसे लेते हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन ने रूस को इन हमलों में उलझाए रखा और F-16 यूक्रेन पहुंच गया, तो यकीन मानिए अमेरिका का ये आसमानी जंगबाज जेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुराखोवस्की मोर्चे पर यूक्रेन के हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ड्रोन से रूसी मोर्चों पर बम वर्षा की गई है। रूस के 6 सैन्य वाहन इस दौरान तबाह होने की भी खबर है।
29 जुलाई को वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद देश में हिंसा भड़क उठी है। हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भीड़ ने कई सरकारी इमारतों को फूंक डाला है। बेकाबू हालात को कंट्रोल करने के लिए सेना को उतारा गया है, लेकिन पुलिस और सेना मिलकर भी प्रदर्शनकारियों को काबू नहीं कर पा रहे। वैसे तो इस हिंसा की वजह चुनाव में धांधली के आरोप है, लेकिन शक है कि वेनेजुएला में हिंसा जो हुई है उसमें रूस या फिर अमेरिका का हाथ हो सकता है। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं, जगह जगह संग्राम छिड़ा है। पुलिस की बैरिकेडिंग भीड़ के सामने कमजोर पड़ रही है। कहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही है, तो कहीं प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। तोड़फोड़ और आगजनी के बीच सड़कों को जाम कर दिया गया है। बीच सड़क सेना की गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। वेनेजुएला विरोध और हिंसा की आग में जल रहा है। सड़कों पर उतरे लोग देश फूंक डालने पर उतारू हैं। इस गुस्से की वजह राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे हैं, जिन्होंने वेनेजुएला को गृह युद्ध की आग में ढकेल दिया है। 29 जुलाई को वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए। नतीजों में तीसरी बार निकोलस मादुरो विजयी हुए। नतीजे घोषित होते ही विपक्षी पार्टियों के समर्थक भड़क उठे। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च शुरू कर दिया। कोई पैदल तो कोई कार और बाइक पर राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान कुछ लोगों के हाथ में हथियार तो कुछ के हाथों में घर के बर्तन थे। ये राष्ट्रपति भवन से महज 500 मीटर दूर की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो हिंसा भड़क उठी। जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर बोतल बम भी फेंके, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। राष्ट्रपति भवन ही नहीं, हिंसक भीड़ ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफिस पर कब्जा करने की कोशिश की। ऑफिस की बिल्डिंग पर बोतल बम फेंके गए। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही काराकास शहर के दो पुलिस स्टेशनों को भी फूंक डाला गया। लोगों के इस गुस्से की वजह वेनेजुएला चुनाव में धांधली है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नतीजों में चुनाव आयोग ने हेर फेर की है। दरअसल 28 जुलाई को वेनेजुएला में चुनाव हुए थे। चुनाव से पहले सर्वे में विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेस की आसान जीत बताई गई थी, लेकिन चुनाव परिणाम इसके उलट आए। निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए। नतीजे से नाराज लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति और मादुरो के राजनीतिक गुरु ह्यूगो शावेस की कई मूर्तियां तोड़ डाली। कई ऐसे भी वीडियो सामने आए जिनमें लोग ह्यूगो शावेस के पुतले का सिर बाइक में बांधकर ले जाते दिखे। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए सेना को सड़क पर उतारना पड़ा, लेकिन भीड़ के सामने सेना भी लाचार दिखी। कई जगहों पर हिंसक भीड़ ने सेना की गाड़ियों को फूंक डाला। सेना और पुलिस मिलकर भी बेकाबू भीड़ को काबू नहीं कर पा रही हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी पुलिस के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते दिखे।
इस वीडियो में देखिए कैसे आगे आगे एक पुलिसकर्मी दौड़ रहा है और भीड़ उसका पीछा कर रही है। कुछ दूर जाकर प्रदर्शनकारी इसे पकड़ लेते हैं और जमकर पीटते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, पुलिसकर्मी बाइक्स पर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। एक पुलिसकर्मी की बाइक फिसल जाती है जिसके बाद भीड़ उसे लात घूंसों से पीटती है। वेनेजुएला के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। शक जताया जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका की साजिश है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला चुनाव के नतीजों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नतीजे वेनेजुएला की जनता के मन के मुताबिक नहीं है। दरअसल निकोलस मादुरो को रूस और चीन का करीबी माना जाता है, जबकि एडमंडो गोंसालेस का झुकाव अमेरिका की तरफ है। ऐसे में अमेरिका की कोशिश एडमंडो गोंसालेस की सत्ता स्थापित करवाना है। उधर संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन समेत 7 देशों ने वेनेजुएला में पारदर्शी तरीके से रिजल्ट जारी करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से हर पोलिंग स्टेशन के मतदाता रिकॉर्ड जारी करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दक्षिणी कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि लगातार बढ़ते वजन ने किम को परेशान किया हुआ है। मौजूदा वक्त में किम विदेशी दवाओं के सहारे पर जिंदा हैं। और इतना ही नहीं, दावा ये भी किया गया है कि किम के परिवार में जल्द ही सत्ता और उत्तराधिकारी को लेकर जंग शुरू हो सकती है। आखिर क्या है इस दावे की हकीकत, देखिए। किम जोंग उन, जो न सिर्फ उत्तर कोरिया का सुप्रीम लीडर है बल्कि अपने बारूदी तेवर के चलते पूरी दुनिया में कुख्यात है। किम किस वक्त क्या फैसला लेगा, कब किस पर हमला कर देगा, ये कोई नहीं जानता। मगर मौजूदा वक्त में किम से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम का वजन दोबारा बढ़ चुका है, जिससे किम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। मौजूदा वक्त में किम जोंग का वजन 140 किलो के पार जा पहुंचा है। वजन कम करने के लिए किम ने रूस और चीन से दवाइयां मंगाई हैं। साउथ कोरियाई सीक्रेट एजेंसी ने दावा किया है कि 40 साल का किम न सिर्फ ज्यादा शराब पीता है बल्कि चेन स्मोकिंग भी करता है। हालांकि इससे पहले 2021 में किम ने डाइट में बदलाव के बाद अपना वजन घटाया था, मगर दोबारा बढ़ते वजन की वजह से किम जोंग को हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इस दावे के बाद तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। वो ये कि क्या गंभीर बीमारियों के चलते किम उत्तर कोरिया का सुप्रीम लीडर नहीं रहेगा, क्या किम के हटने के बाद नॉर्थ कोरिया में सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर किम हटा तो नॉर्थ कोरिया का अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। अब तक किम ने अपने बाद देश की सत्ता संभालने के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि किम अपनी बेटी किम जू ए को ही अपना उत्तराधिकारी बना सकता है। इसके लिए उसने बेटी को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। कई मौकों पर किम अपनी बेटी के साथ नजर भी आया है। मौका उत्तर कोरियाई सेना की स्थापना 76वीं वर्षगांठ का था जब किम पहली बार अपनी बेटी के साथ नजर आया। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल लॉन्चिंग से जुड़े कई कार्यक्रम में भी किम जो अपने पिता के साथ नजर आई। और इसी के साथ ही आज सुपर प्राइम टाइम में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक, आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।